दोस्तों ऐसा न्यूज आ रहा है कि ध्रुव राठी की अगेंस्ट में पुलिस केस हो सकता है और ये कोई और नहीं स्वाति मालीवाल करने वाली है। बेसिकली हुआ क्या कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे उन्होंने बताया था स्वाति मालीवाल के बारे में कि जब वो निकली तो ठीक थी बट जब वहाँ पुलिस के पास गए तो लंगड़ा रही थी, ऐसा बहुत कुछ बताया था। क्या कुछ बताया पहले वो आप सुन लीजिए, खुद देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल ने इल्जाम लगाया कि 13 मई के दिन जब वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार अचानक से आए, बिना किसी प्रोवोकेशन के उन पर चिल्लाने लगे, उन्हें गालियां दी और उनके साथ मारपीट करी। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद स्वाति ने पुलिस में शिकायत करी। कंप्लेन में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए जैसे कि इन्हें लातें मारी गई थी। इन्होंने लिखा ये एक्सट्रीम पेन में थी, लेकिन बाद में जब इस इंसिडेंट का एक वीडियो सामने आया तो उसमें कुछ और ही दिखा। इस वीडियो में स्वाति बैठी हुई थी और विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ वो खुद अभद्र भाषा में बात करती हुई दिख रही थी। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आप दिल्ली के लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा, ये गंजा। 3 से 4 दिन बाद जब स्वाति पुलिस के साथ दिखी तो वो लंगड़ाती हुई दिखी, लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आया, इस बारी सीसीटीवी फुटेज का उस दिन भी। इसमें दिखता है कि जब वो सीएम हाउस से बाहर निकली तो वो बड़ी तेजी से चलकर गई थी और पेवमेंट से कूद कर गई थी। क्या स्वाति यहाँ पर झूठा आरोप लगा रही थी? आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी की एक साजिश थी और इसके लिए स्वाति को एक मोहरा बनाया गया। विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई और उसमें कहा कि उस दिन स्वाति के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो सीधा सीएम हाउस के अंदर आई और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर घुसने की कोशिश करी। विभव ने उन्हें रोकने की कोशिश करी और स्वाति को गुस्सा आ गया और स्वाति ने उन्हें धक्का मारा। उसके बाद धमकी दी कि उन्हें झूठे केस में फंसा देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन यहाँ पर सच बोल रहा है? इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा तो ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया कि मेरी पार्टी और आपके लोगों के साथ में जो मेरे खिलाफ चरित्र हनन किया जा रहा है, मुझे शर्मसार किया जा रहा है, मुझे गलत धमकी दिया जा रहा है। यह तब और बढ़ गया जब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो चलाया। जहाँ तक पार्टी के नेतृत्व का बात है तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए डराना धमकाया कोशिश किया जा रहा है। हालांकि ध्रुव के लिए मैंने अपना पक्ष बताने के लिए उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किया बट वो मेरे कॉल्स एंड मैसेजेस को नजरअंदाज कर दिए। यह शर्मनाक है कि उनके जैसे लोग जो अपने आप को इंडिपेंडेंट पत्रकार होने का दावा करते हैं, जिनके वजह से यहाँ पर मुझे काफी शर्मिंदा होना पड़ा है, मुझे धमकियां मिल रही है और धमकियों का सामना मुझे करना पड़ रहा है। उनके 2.5 मिनट के वीडियो में जो कि मेरे अगेंस्ट में था उनमें जो फैक्ट नहीं बताया गया मैं यहाँ पे बता रही हूँ। पहला पॉइंट यह है कि पार्टी ने जो एक्सेप्ट किया था उसे यू टर्न ले लिया। एमएलसी रिपोर्ट इंजरीज ड्यू टू द असॉल्ट वीडियो के चुनिंदा हिस्सा को जारी किया गया और फिर आरोपी का फोन फॉर्मेट कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट, आरोपी को मौका वारदात यानी कि सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था, उसे फिर से उसी जगह पे जाने की अनुमति कैसे मिल सकती सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए। पांचवें, उन्होंने बताया कि एक महिला जो हमेशा सही मुद्दे के लिए खड़ी रहती है, यहां तक कि बिना सुरक्षा के अकेले मणिपुर भी गई, उसे भाजपा ने कैसे खरीद लिया। जिस तरह से पूरी पार्टी मशीनरी और उसके समर्थक मुझे बदनाम करने और मुझे शर्मिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वह महिलाओं के मुद्दों पर और उनके रुख के बारे में बहुत कुछ बताता है। मैं और मौत की धमकियों की रिपोर्ट कर रही हूँ दिल्ली पुलिस से, मुझे उम्मीद है कि वे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी मामले में अगर मेरे साथ कुछ होता है तो हम जानते हैं कि किसके द्वारा उकसाया गया है।